नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। छपरा शराब कांड को लेकर कोहराम के बीच बीजेपी से राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व सीएम सुशील मोदी ने सरकार से उन लोगों को माफी देने की मांग की है जो पहली बार शराब के सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। सुशील मोदी ने मांग की है कि शराबबंदी के कारण पहली बार जेल जाने वालों को सरकार आम माफी दे। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने नेजल वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जो देश भर के निजी अस्पतालों में मौजूद होंगे। इसके लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि क्रिसमस और नए साल के लिए कोरोना गाइडलाइंस तैयार किया जा रहा है। दिशा सालियान के केस की जांच के लिए एसआईटी द्वारा कराए जाने पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने कहा कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी इसलिए नहीं किया गया। ये फैसला सही है। पिछली सरकार में जांच सही से इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके लोग मामले में शामिल थे। कोरोना वायरस के BF7 स्वरूप को लेकर जारी आशंकाओं को दूर करते हुए एक प्रमुख वैज्ञानिक ने सोमवार को कहा कि BF7 ओमिक्रॉन स्वरूप का एक उपस्वरूप है और वह भारत को अपनी आबादी पर इसके संभावित प्रकोप को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीन में हर दिन लाखों की संख्या में नए मरीज संक्रमित हो रहे हैं, जिससे अस्पतालों में बेड की समस्या भी सामने आई है तथा वहीं दवाओं की भी काफी कमी हो गई है। अपने पड़ोसी की मुसीबतों को देखते हुए भारत सरकार एक बार फिर मदद के लिए सामने आया है। भारत के दवा निर्यात निकाय के अध्यक्ष साहिल मंजाल ने 22 दिसंबर को कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक भारत ने चीन की मदद करने का बड़ा फैसला लिया है। शी जिनपिंग पहले चीनी राष्ट्रपति बन गए हैं जिनसे चीनी लोग अपना पद छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसी पहली बार नहीं जब जिनपिंग लोगों का गुस्सा झेल रहे हो। इससे पहले भी कई मुद्दों पर चीन की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। अब शी जिनपिंग के सख्त कोविड उपायों के विरुद्ध में लोग उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जाता है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली इस योजना को अप्रैल 2020 में कोविड के दौरान शुरू किया गया था। सितंबर 2022 में सरकार की तरफ से इसे सातवीं बार दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से योजना को आगे बढ़ाने पर किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों को एक प्रमुख प्रोत्साहन देते हुए भारतीय सेना ने अपने मिशन ओलंपिक कार्यक्रम के तहत 4 मेधावी खेल महिलाओं को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में डायरेक्ट एंट्री हवलदार के रूप में भर्ती किया है। भारतीय सेना में खेल कर्मियों को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने की एक लंबी शानदार परंपरा है और मिशन ओलंपिक नामक एक अच्छी तरह से संचालित कार्यक्रम चलाती है। 7 दिसंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर को समाप्त होना था, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की उत्पादकता 97% रही। सदन की कुल बैठकें 62 घंटे 42 मिनट तक हुई। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम नरेंद्र मोदी सहित सभी दलों के नेताओं को आभार जताया। भारत अब रहने लायक नहीं वाले बयान पर राजद के सीनियर नेता ने कहा कि मैंने ये बयान उस कार्यक्रम में दिया था जहां पूर्व न्यायाधीश सहित कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा था कि अगर छात्रों को यहां अवसर मिलता है तो वे विदेश क्यों जाएंगे। कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे बयान का उपयोग कर रहे हैं। हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 23 दिसंबर को हो गया है। 18 सदस्यीय टीम की कप्तानी डिफेंडर हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। वह मनप्रीत सिंह की जगह टीम की कमान संभालेगी। हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में 13 जनवरी से होगा। फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला में मुकाबले में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर में ही हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव शुरू हो गए हैं। रमीज राजा को पीसीबी चेयरमैन पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह नजम सेठी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेठी ने आते ही एक बड़ा फैसला लिया है और मोहम्मद वसीम की अध्यक्षता वाली चयन समिति को बर्खास्त कर दिया है। इतना ही नहीं, सेठी ने 2019 के संविधान के मुताबिक बनाई गई सभी समितियों को खत्म करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार दिशा सालियान के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाएगी। दिशा सालियान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। पुलिस के मुताबिक 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। भाजपा विधायक रितेश राणे ने भी मांग की कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि सालियान की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।
चीन, अमेरिका, जापान समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारतीय सेना ने भी अलर्ट जारी किया है। भारतीय सेना ने अपने सभी जवानों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही इन जवानों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश के तहत सभी लक्षण वाले जवानों को कोरोना जाँच की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। मयंक अग्रवाल को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होड़ लग गई, लेकिन आखिर में बाजी हैदराबाद ने मारी और उन्हें 8 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया। मयंक अग्रवाल का वेस्ट प्राइस 1 करोड़ रुपए था, जिस तरह उन्हें वेस्ट प्राइस से 7 करोड़ 25 लाख रुपए ज्यादा मिले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर ने ड्रोन और रोबोट पर काम करने वाली अमेरिकी कंपनी EXYN टेक्नोलॉजी इंक की 23.3% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। दोनों कंपनी में यह डील 2.5 करोड़ डॉलर यानी 207 करोड़ रुपए में हुई है। गौरतलब है कि EXYN टेक्नोलॉजीज इंक एक ऐसी कंपनी है जो ड्रोन और रोबोट को बिना GPS के मुश्किल रास्तों पर निकालने में तकनीक डेवलप करने में मदद करती है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम कर्नन को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए की भारी कीमत में अपने साथ जोड़ा है। कर्नन को खरीदने के लिए उनकी दो पुरानी टीमों पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लंबी जंग चली, जिसमें पंजाब ने बाजी मारी। इसके साथ ही कर्नन इस लीग में सबसे अधिक दाम में बिकने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आज कृषि और पशुपालन के बाद मधुमक्खी पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया है। कई किसान और युवा इस सेक्टर से जुड़ते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय खाद्य पदार्थों की विदेश में बढ़ती डिमांड। इन खाद्य पदार्थों में शहद भी शामिल है, जो पहले से ही विदेश में अपनी नेचुरल मिठास को लेकर पहचान कायम कर चुका है, लेकिन इस सेक्टर से जुड़े लोग उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं ले पा रहे। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ने कहर मचा रखा है, जिसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। हाल ही में गुजरात में BF7 वेरिएंट का पता चला था। अब वहां 3 विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको तुरंत आइसोलेट कर उनके सैंपल को आगे की जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की जा रही है। ट्विटर कंपनी जब से एलन मस्क के कंट्रोल में आई है, तब से ट्विटर आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है। बिजनेस में इजाफा करने के लिए दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने ट्विटर में अब तक कई बदलाव किए हैं। वहीं अब ट्विटर पर एक नया फीचर भी जोर दिया गया है, जिसके बाद अब यूट्यूब की तरह आपको अपने ट्वीट के नीचे व्यू अकाउंट नजर आने लगेंगे। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट की सुनामी देखने को मिली है। बिकवाली में निवेशकों की गाढ़ी कमाई खाक हो गई है। सेंसेक्स 60,000 के नीचे जात फिसला है, तो निफ्टी 18,000 के नीचे मिड कैप शेयरों को खून के आंसू रोने पड़े हैं। मिड कैप इंडेक्स में 1200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। आज का कारोबार खत्म होने पर BSE सेंसेक्स 980 अंकों की गिरावट के साथ 59,845, तो निफ्टी 320 अंकों की गिरावट के साथ 17,806 अंकों पर बंद हुआ है। बिस्लेरी बिकने की खबरों के बीच एक खबर ये भी आई है कि कंपनी का मालिक रमेश चौहान की इकलौती बेटी जयंती चौहान कारोबार नहीं संभालना चाहती, लेकिन बिस्लेरी में जयंती चौहान का बड़ा कमबैक हुआ। उनका नेतृत्व में बिस्लेरी ने बड़ी डील की है। IPL 2023 की टीम के साथ बिस्लेरी ने हाथ मिलाया है। भारत की पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड बिस्लेरी IPL की टीम गुजरात टाइटन्स की हाइड्रेशन पार्टनर बनी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को अमेरिका में पत्रकारों से बात करते हुए अपनी लगातार विदेश यात्राओं का बचाव करते हुए खुद की तुलना गधे से की। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वह अपनी विदेश यात्राओं के लिए भुगतान करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, और उनके कार्यकाल ने उनसे गधे की तरह काम करवाया। फ्लिपकार्ट और फोनपे ने अलग होने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि दोनों कंपनियां अमेरिका की खुदरा कंपनी वॉलमार्ट के तहत काम करना जारी रखेगी। शुक्रवार को एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। फ्लिपकार्ट समूह ने 2016 में फोनपे का अधिग्रहण किया था। फोनपे के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी समीर निगम ने कहा, फ्लिपकार्ट और फोनपे 40-40 करोड़ के प्रयोगकर्ताओं के साथ अब भारतीय ब्रांड है। उन्होंने कहा कि हम अपनी वृद्धि के अगले चरण को देख रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में वैज्ञानिकों को एक खुदाई स्थल पर एक विशालकाय डायनासोर के जांघ की हड्डी मिली है। ये वैज्ञानिक लगभग एक दशक से जीवाश्मों की खोज कर रहे हैं। 2 मीटर की ये जांघ की हड्डी ऑन्जेक इलाके में पाई गई है और माना जा रहा है कि ये सॉरोपॉड डायनासोर की है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी है। 227 रन के जवाब में भारत ने पारी में 314 रन बनाए। भारत की तरफ से पंत और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया। खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 3 ओवर में 4 रन बना लिया है। सिक्किम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में शुक्रवार को सेना के 16 जवान शहीद हो गए। घटना उत्तरी सिक्किम के जेमा से हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चटन से सुबह थांगू की ओर बढ़ा था। घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया।
मोदी सरकार लोगों के सुविधाजनक सफर के लिए सड़क, रेल से लेकर हवाई मार्ग पर नए नए कदम उठा रही है। इसके साथ ही तटीय और नदी किनारे बसे शहरों में आवागमन और आसान करने के लिए कई रूटों पर सी प्लेन चलाने की तैयारी है। तटीय और नदी किनारे बसे तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से एयरपोर्ट दूर है। सी प्लेन चलने से इन इलाकों को राहत मिल जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार सी प्लेन चलाने के लिए कई शहरों में वाटर एरोड्रम भी बनाए जाएंगे। भारत सरकार ने आज से अपने टीकाकरण कार्यक्रम में वयस्कों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जापान, चीन और कुछ अन्य देशों में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको सुई से नहीं बस नाक में दो बूंद लेने से ही कोरोना से सुरक्षा मिल सकती है। आज से यह नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया गया है। साल 2022 से समाप्ति की ओर है। इस साल में कई स्टॉक ने निवेशकों को काफी बेहतरीन रिटर्न दिया तो कुछ शेयरों में पैसे लगाने से निवेशकों को भारी नुकसान हो गया। सबसे मजबूत रिटर्न देने वाले शेयरों में अडानी ग्रुप के स्टॉक का जलवा है। वहीं पेटीएम, जोमैटो जैसे शेयरों ने निवेशकों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंजू कुमारी, नुन्नू गोलू कुमार, दीपक कुमार, संजय यादव, सुनील। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा बंद करना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।